मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुगर लेवल से जुड़े मामले और इंसुलिन ना मिलने को लेकर अब जेल से केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट को लिखी चिट्ठी में उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं केजरीवाल की दो याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या रहा कोर्ट का फैसला और अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने क्या किया है खुलासा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सेहत से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें अखबार में तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़कर काफी दुख हुआ। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। उन्होंने ये भी लिखा कि वह रोज इंसुलिन मांग रहे हैं। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई और बताया कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई जा रही है। शुगर लेवल 250 से 320 के बीच जाती है। एम्स के डॉक्टरों ने कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि वो डाटा और हिस्ट्री देखकर बताएंगे। तिहाड़ का प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा है। इससे पहले रविवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने दावा किया था कि जेल प्रशासन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एम्स के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था की। इस दौरान ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन का मुद्दा उठाया और ना ही डॉक्टर्स ने इसका सुझाव दिया। अधिकारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया है कि कोई गंभीर चिंता नहीं है और उन्हें निर्धारित दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है। वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को डायबिटीज है, इसके बाद भी उन्हें उचित सुविधा नहीं दी जा रही है। तो वहीं ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश केत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर दिया है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निजी डॉक्टर से परामर्श लेने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।